खरगोन जिला मुख्यालय पर तापमान में तेजी के कारण जल स्रोतों में जल की कमी आ गई है, तो बहुत से जलाशय सूख भी गए हैं, जिससे लोगों में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते शहर के कमला नगर क्षेत्र की महिलाएं खरगोन नगर पालिका परिषद पहुंची और पानी की समस्या से अवगत कराया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और CMO से पानी की मांग की और उन्हें बताया कि साफ पानी के स्थान पर गंदा पानी वितरित हो रहा है। खरगोन में पानी की समस्या के चलते पानी का वितरण नियमित नहीं हो रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पानी की समस्या लेकर आए हैं हम, कमला नगर से आए सब महिलाएं, और हमारे यहाँ पानी बहुत बदबूदार आ रहा है और समय पे आता नहीं है। कभी रात को 1 बजे आ रहा है, कभी 1:30 बजे आ रहा है, और कब तक जगती रहेगी महिलाएं बेचारी, दिन भर काम करती है। और यही समस्या है कि पानी के लिए बैठे रहते, ना कहीं जा सकते ना आ सकते, और पानी की मोटर है दूसरों के यहाँ लग जाती है, हमारे यहाँ आखिरी पड़ता है, पानी बिल्कुल आता नहीं है। बिना मोटर के तो पानी भर ही नहीं सकते, जिसके मोटर है वो भर ले, जिसके नहीं है वो कैसे भरेगा। वो हमारा तो मोटर पानी में बिल्कुल पानी नहीं, फोर्स भी कम है और बदबूदार पानी, थोड़ा सा बदबू भी आने लगी, गंदा पानी बहुत आ रहा है। समय क्या आने का पानी पहले, समय रात को आ रहा है, अभी 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1 बजे आए। आपने समस्या अध्यक्ष साहब को बताई क्या निराकरण? अभी अध्यक्ष जी को हमारी समस्या बताई, उन्होंने कहा है निराकरण करने का, वो बोले हैं कि समय थोड़ा सा हम कर देंगे, पानी सभी दूर समस्या है पानी की, इसलिए वो आश्वासन तो दिया है हमें, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। कमला नगर की महिलाएं यहाँ नगर पालिका में आई थी, पानी की समस्या उन्होंने बताई है। वो अभी जो हमारा जो बैरेज है वो 70 साल पुराना होकर 40 से 50 हज़ार आदमियों को पानी पिलाने की कैपेसिटी का है, जो आज भी 1.5 लाख से करीब 2 लाख की आबादी हो गई है खरगोन शहर की, उनको भी वही बैरेज जो है पानी पिला रहा है, वाटर बस पिला रहा है। उसके कारण जो है गर्मी के दिनों में समस्या आ जाती है, ये 2-3-4 साल से थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर हम लोग सुविधा करने के प्रयास कर रहे हैं। और जो पानी जो 24 घंटे देने का है, उसके लिए भी हमने जो एक जल आवर्धन योजना का मतलब लागू की गई है, वो जल आवर्धन योजना 50 से 60% करीब काम हो चुका है और वो अति शीघ्र चालू हो जाएगी, उसके कारण से 24 घंटे भी पानी पर्याप्त मात्रा में मूल्य वार्डों में दिया जाए। महिलाओं की शिकायत थी कि कमला नगर में 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे पानी का वितरण होता है। पानी का वितरण इसलिए होता है कि गर्मी के अंदर कूलरों में भी इनमें भी पानी लगता है, तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से टाइम बेटाइम हो जाता है, बदबूदार पानी भी आ रहा है। नहीं, बदबूदार का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने उनको सब इंजीनियरों को बुलाया और उसको टेम्परेचर को और बता दिया गया कि पानी जो है गंदा आ रहा है उसको साफ किया जाए। समस्या की धुलाई चल रही है और वॉशिंग सेंटर भी संचालित हो रहे हैं शहर में, क्या उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई है? नहीं, उनके ऊपर भी देखते हैं, उनको भी प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि पानी का जो ऐसी कमी है, वॉशिंग चला रहे हैं वॉशिंग, तो उनको बंद करवाना पड़ेगा। पानी की समस्या के निराकरण कैसे होगा इन? अब निराकरण तो होगा, जैसे भी अब समस्या को सुलझाना तो पड़ेगा, करते हैं करेंगे उसकी कोशिश कर रहे हैं। टाइम टेबल में कुछ बदलाव होगा? नहीं, टाइम टेबल में बदलाव ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोटरें जो चल रही हैं 24 घंटे टंकी भरने की, वो 24 घंटे चलने के बावजूद भी पानी का वितरण सही मायने में जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल से नहीं हो पा रहा है, उसमें ही मतलब फ़र्क आ रहा है।